जरूरी, क्योंकि अब दिन बहुत ही नजदीक आ रहा है, तो कितने एक्साइटेड आप लोग किस फिल्म को देख रहे हैं? Excited, but haven't had much time to think about it in terms of we've been doing this every day, so haven't really thought about it. I didn't even know it's like 1 week, 6 days, it's 1 week, six. 1 week to go. Yeah. So it hasn't even sunk in yet for me. Same. I mean, we're just इतने busy रहे हैं promotion में और I can't look into camera. इतने busy हैं ना अभी promotions में के वो फीलिंग नहीं आई अभी तक कि रिलीज़ का वक्त आ गया है. जैसे फ्राइडे ज़्यादा और पास आएगा तब लगेगा कि अच्छा हाँ अब रिलीज़ है. बट इवन आई वाज जस्ट थिंकिंग दिस मॉर्निंग कि अरे यार ये तो लास्ट वीक शुरू हो गया. रियलाइज़ वन फ्राइडे हो गए. अच्छा, आप चारों से जानना चाहूंगा अपने किरदार के बारे में और अपने रियल लाइफ से कितना मैच करता है ये किरदार, थोड़ा कुछ ऑडियंस को बताइए अपने किरदार के बारे में. जिमी से शुरुआत करते हैं. रियल लाइफ से कितना मैच कर रहा है, ना ही मैच कर रहा बच्चा. और नहीं, बग्गा आई थिंक मजे ले करने वाला किरदार था और मजे ले किया. मेरे लिए बहुत अलग था ये किरदार. बहुत सीरियस सीरियस टाइप के रोल्स किए मैंने, ये थोड़ा सीरियस नहीं है. ये मैं यही उम्मीद करूंगा कि ये अगर आपको हंसा जाए ये किरदार तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है. और गुड्डू ये बहुत क्लोज है अपने किरदार. नहीं, लेकिन गुड्डू एक सिंगर है, वो बजा नहीं रहा है. एंड ही इज हैप्पी एंड गुड्डू हैव नोन ईच अदर सिंस दे वर किड्स. चाइल्डहुड फ्रेंड्स रहे हैं और एक दूसरे को जानते हैं उससे भी ज्यादा. और या वो दिल हथेली पे लेके चलता है. ही इज अ वेरी वेरी सिंपल गाय. इज ब्लैक एंड व्हाइट, नो ग्रेज. आई थिंक दैट्स व्हाट आई लव अबाउट हिम. मेरे में मुझ में है थोड़ा ग्रे. अली, इसके अलावा आपने कहा कि आप सिंगर हो, लेकिन हर प्रमोशन पर आपको डांस करते हुए देखा गया है, तो कितना अच्छा डांसर है गुड्डू भाई. है अच्छा, लेकिन इन्होंने कराया ये लोग मेरी, ये लोग हाँ सब फ्री में मेरी लेग पुलिंग होती है. हमारे को डायरेक्टर ने नचवाया है गाने के ऊपर. और आप अगर, और हम तो नाच नहीं सकते, आप अगर अच्छा नाचते हो और आपको हम नचवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. और गाते भी बहुत नहीं, आप लोग खुद कहेंगे कि बिल्कुल सुर में गाते हैं और उसमें क्या बुराई है. चलिए सही, आज मैं गा सकता तो मैं तो आप लोग के सामने, मैं तो ये बहुत गाते हैं ये. इज अ छुपा रुस्तम. हाउ इज रुस्तम डूइंग? अरे हाँ, सॉरी, नहीं नहीं नहीं, अभी इट्स जस्ट कम आउट. या हैप्पी, नॉट वेरी क्लोज टू व्हाट आई एम इन रियल लाइफ. शी इज लाउड एंड शी वेयर्स अ हार्ट ऑन हर स्लीव. शी इज अ फायर स्टार, वेरी फाइस्टी. सो इन दैट रिस्पेक्ट नॉट द सेम एज हाउ आई एम इन रियल लाइफ. बट there are certain things about her, like I like that she's, you know, stubborn and opinionated and independent, and she's brave. So yeah, there's like a little mix of I'm a little like that, I'm a little not like that. I didn't have to practice at all. I mean, I used to run when I was in school, so it's just been a long time. But we did that on one day. Mudassar made me run up and down and up and down and up and down for 6 hours to get one shot. But also because it takes time and light and all of that. But yeah, I didn't have to practice. क्या फील कर रहे हैं? Wow, wait, one, hold on, one question at a time. Dina, 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 just Dina. What? Yeah, I'm very supportive. co-actors. To answer your question, I did spend a lot of time in prep, a few months, because like I said, the character is so different from me and not a space that I'm familiar with. So I had a friend, Nilama, helped me out, and she helped me with diction and, you know, Punjabi and like the accent and nuances, and so it took some effort. Yeah.
अभय आप क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में और रियल लाइफ में आप कैसे हैं, कुछ बताइए ऑडियंस को इस बारे में। बिलाल अहमद शहरी है, बाहर पढ़ के भी आया हुआ, इज एजुकेटेड, तो वैसे काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं हमारे बीच, बट आई थिंक फ़र्क इतना ही है कि क्योंकि वो पाकिस्तान में पला बड़ा है तो वो उर्दू बोलता है और मैं ऑफकोर्स इंडिया में पला बड़ा हूँ तो मैं हिंदी बोलता हूँ, उससे ज़्यादा फ़र्क था नहीं। बट देन अगेन कैरेक्टर ट्रेस इज़ लाइक वो बहुत ही रिफाइंड है, सॉफ्ट स्पोकन, जेंटलमैनली, जो मैं नहीं हूँ, तो वो सब चीज़ें तो मुझे ऑफकोर्स एड ऑन करनी पड़ी। अब लिखी गई थी इतनी अच्छी तरह से, आई डिडन्ट हैव टू ट्राई टू हार्ड, यू नो, इट हेल्प्स व्हेन द स्क्रिप्ट इज सपोर्टिंग यू। अबे आप भी पाकिस्तानी मैंने कहा आपको कि ज्यादातर भाषा में है, किस चीज़ पे आपको सबसे ज्यादा काम करना पड़ा इस कैरेक्टर के? भाषा पे सबसे ज्यादा काम करना पड़ा। आई मीन मैं उर्दू पढ़ चुका हूँ बट उस लॉन्ग टाइम अगर 18 साल की उम्र का था मैं, लकीली प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम नहीं थी मगर वोकैबुलरी मेरी कमज़ोर है, तो वहाँ से मुझे डायरेक्टर से बहुत सारी हेल्प मिली। उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है ये कैरेक्टर, ये कहानी, तो वो सपोर्ट स्क्रिप्ट से जब मिल जाता है तो फिर वो प्रोसेस भी थोड़ी आसान हो जाती है, यू नो। अब इसके अलावा लास्ट फिल्म आपने प्रोड्यूस की थी, उसके बाद काफी लंबा समय लिया आपने फिल्म आने के लिए, तो इसके पीछे क्या रीजन था और चूजी हो गए थे स्क्रिप्ट को लेकर? चूजी हो नहीं गया था, चूजी तो मैं हूँ, वो तो पहले से हूँ, और मेरा हमेशा से रहा है 4-5 साल बाद में एक ब्रेक ले लेता हूँ, और फिर जब मैं वापस आता हूँ फिर एक एनर्जी होती है, यू नो, तो जोश के साथ मैं भी अगली फिल्में करूंगा, होपफुली 4-5 और बना के मैं अपनी अगली ब्रेक लूंगा। जी मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आज 20 मिलियन हो गए व्यूज आप ही लोगों ने दिए हैं, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, मैंने यहाँ के लिए ना अच्छे से प्यार बचा के रखा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सा है, उसका एक अलग स्पेस है, वो भी अच्छा है, वो एक हकीकत है जो बाहर जो प्यार आ जाता है वो सबका आई थिंक क्या कहते हैं उसे सबको मैंने ऐसे दिखाया है, ये उसमें मैं अपने आप को नहीं प्ले कर रहा हूँ, मैं आई थिंक सबकी विशेस प्ले कर रहा हूँ, बट इट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग यू नो पीस दैट वी ट्राई टू रिक्रिएट। जी जी अकेले ही करना पड़ेगा क्योंकि क्या है ना कि साथ में मुझे नहीं ले जाना है किसी को, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, आई एम वेरी एक्साइटेड। नहीं डेट्स हैं अलग अलग हैं, तो ये जैसी रिलीज इसकी होगी उसके बाद मैं वहां जाऊंगा और लंदन में उसका काम है, 3 महीने वहां आऊंगा, वो खत्म करके फिर आई विल बी बैक एंड देन बी रेडी फॉर फुकरे होपफुली। फिल्म का नाम और विक्टोरिया एंड अब्दुल, ये एक ट्रू स्टोरी है, उसमें अनाउंस इट्स ऑलरेडी बीन अनाउंस, जूडी डेंच इज प्लेइंग द अदर पार्ट एंड आई एम प्लेइंग अब्दुल, मतलब हॉलीवुड फिल्म। और यू वांट मोर डिटेल, स्टीफन फ्रियर्स उसके डायरेक्टर हैं और इधर मुदस्सिर अजीज हैं और मेरा किरदार मेन लीड का ही है जो उसमें टाइटुलर ही है, उसमें इट्स एविडेंट विक्टोरिया एंड अब्दुल। तो जिमी इसके अलावा हर फिल्म में आपके साथ में जो लड़की भाग जाती है, तो इस बार डायरेक्टर को कुछ बोला था आपने? नहीं सर, आप सवाल बदल दो वरना मैं जवाब बदल दूं। आपको कौन सी मूवी में और कब लड़की मिलेगी? अच्छा सवाल क्या 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 कौन सी फिल्म में लड़की मिलेगी? आपको कैसे पता इसमें नहीं मिलती है? इसमें शुरू में ही भगा दिए ना, तो कहाँ एंड में भाई भूली भटकी घर वापस ही तो आएगी, और क्या है उसमें, यही तो है सर, लड़की तो घर आई लेकिन आप ले गए ना, आपको कैसे पता? मैं कहाँ ले गया पागल, अबे नहीं यार मैं भगा कैसे सोपता हूँ, तो एनीवे एंड देन सलमान खान कम्स इन, एनीवे सॉरी। तो हाँ अच्छा डायना जी, हम देख रहे हैं कि कई सारे फीमेल एक्टर यहाँ हमारे फिल्मी दुनिया से हॉलीवुड में जा रहे हैं, अब देखिए आपके बाजू में एक्टर भी बैठे हैं, आपकी कोई फीमेल एक्टर मतलब क्वाइट अ डीवा ये नहीं है, और आपकी कोई ऐसी इच्छा हॉलीवुड में काम करने की या पसंद करती है हॉलीवुड में जाना? I mean I haven't even thought that far, I've only just begun my journey here, so I think I'm going to concentrate on that for now. Okay. That's it? Nobody wants to know any more?
वो ये एक मैसेज हम लोगों ने बहुत लोगों को दी है. आई नो इट साउंड्स क्लीशेड बट प्लीज सेव पीपल. हम लोग यू नो खुशी में और इंडिपेंडेंस के जोश में इतना फ्लैग्स बनाते हैं और गाते हैं और फिर वही फ्लैग्स अगले 16 को सब पड़े हुए दिखते हैं जमीन पे और हर जगह. दैट्स नॉट वेरी नाइस. सो या आजकल सोशल मीडिया है सो यू नो मेक योर पेंट ब्रश. हम लोग साथ में ही होंगे होपफुली. आई थिंक थोड़ा सा शायद ब्रेक लें हम लोग या बिकॉज उस दिन आप लोग नहीं है तो या मूवमेंट कम हो जाएगा. चले थैंक यू सो मच प्लीज वॉच आवर फिल्म 19th August. या गिव अस योर रिव्यूज. बोला ना सब लोग क्या चीज सबका चाहिए था. सॉरी यार इट्स फील्स लाइक गन्स ना. इट शुड जस्ट बी लाइक क्या होगा.